खबर उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एसपी नेता प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कह रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने एसपी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज इसका तो दिन उद्घाटन करा इसकी सप्लाई उनकी बनी वो बन भी तो 1967 से रहा बना दिया बन गया वहाँ है उसमें मध्य प्रदेश में मोदी जी का अनुग्रह है उसके भाषण में। और ये हमारा सपना था ये समाजवादी पार्टी के बदजुबान नेता वीर सिंह मलिक का वीडियो है जिसमें वो पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे ना तो सुनाया जा सकता है और ना ही लिखा। वीडियो को वीर सिंह मलिक की गाड़ी में बैठे किसी शख्स ने चुपके से शूट किया है और अब इसके सामने आने के बाद यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया है। वीर सिंह मलिक शामली के गन्ना परिषद के अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी में इसका अच्छा रसूख माना जाता है। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी एसपी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैंने वो वीडियो देखा है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी का नेता और किसी गन्ना समिति का चेयरमैन स्तर का व्यक्ति अगर ये बातें करता है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है और बीजेपी आरोपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने वायरल वीडियो की जांच की भी मांग की है ताकि आरोप पुख्ता होने पर पीएम के खिलाफ शर्मनाक बोल बोलने वाले नेता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।